सामने है। हाँ, ये राइट साइड में हाथी है, लेफ्ट वाला घोड़ी है। अच्छा, ये सेब के पेड़ है, ये देखो, ये नाशपाती भी है। ऐसी चीजें कहाँ मिलेंगी, ये खुमानी है ना। अब यहाँ से एक दूसरा वीडियो शुरू कर देते हैं भाई। आप जाएंगे, आप ये सोचिए भैया कितने अच्छे तरीके से ले जा रहे हैं। पहले एकदम से अगर हम चढ़ाई करते हैं बद्रीनाथ जी जाते तो कितनी सांसों की उसमें प्रॉब्लम होती। यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, पहले ओली रुकेंगे आज, कल बद्रीनाथ जी, और घूमते रहेंगे, फिर परसों यात्रा शुरू करेंगे। मार्केट से कुछ चटर पटर खरीद के ले आए हैं भाई, लेमनेड वगैरह। बारिश भी आ गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है यहाँ पे, बूंदाबांदी शुरू हो गई है यहाँ। तीन बजे इस टाइम और बारिश मेरे ख्याल से 3 बजे के बाद हो जाती है यहाँ पे ना, गर्मी पड़ती है ना एक्सट्रीम। मौसम तो ठंडा होता जा रहा है, थोड़ी देर बाद उतरेंगे तब ठंड लगेगी। और ये प्रीति सुबह से सोई जा रही है। जैसे आज सारी कसर निकालेगी। और यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ नजर आ रहे हैं मुझे, ये देखो खुमानी की ज्यादा है यहाँ पे। ये रे ओहो, ये देखो ये लगी हुई। अच्छा, ये रोपवे है, ये कहाँ से है रोपवे? जोशीमठ से रोपवे है। अच्छा, यहाँ से ओली है 4 किलोमीटर। गंगोत्री उत्तरकाशी जैसी फीलिंग आ रही है क्योंकि बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। आलू बुखारे भी लगे हैं कितने सारे, मन ललचा रहा है यहाँ तो आके। ये चेयर लिफ्ट जा रही है ऊपर, 500 पर पर्सन है। बुग्याल ऊपर देख रहे हैं, अभी हम वहाँ जाएंगे सतोबंद बुग्याल ही बुग्याल देखेंगे। मौसम देखिए, ओए होए, हम तो आ गए ऊपर, कुछ नहीं दिखा। मैंने कहा यहीं फ्रूट फ्रूट खा लेते, बुग्याल तो बहुत ऊपर था वो। ये प्रीति और का रूम है। डबल रूम, डबल बेड वाला है ना ये रूम का टेंट। हाँ, स्पेशल लग्जरी कैंप है। गैस की गर्मी से थोड़ी देर दूर के लिए दूर। ये कैसा फ्लावर है, ये हमने वहाँ खाई ना, वही है। हाँ, ये वही है, बुग्याल में खाई थी। ये कह रहे थे भालू खाता, ये खाने नहीं चाहिए। हाँ, ये खाई थी, ये तो बुग्याल में थी, वो वाली भालू उसकी थी। ना ना, ये नहीं थी बुग्याल में, वो तो वो थी, वैसी थी उसका छोटा वर्जन। ये आड़ू हमारे हाथ आ रहे हैं पर कच्चे हैं, अंगूर कट्टे हैं। हमारे भैया तो आ गए, उनकी बस। ये कौन सा पेड़ वो है, ये तो वो वाला है ना, पाइन ट्री। पाइन ट्रीज, इन्होंने नुकसान किया बहुत जंगल को, पाइन ट्रीज ने। उनकी बस फंसी पड़ी है कहीं, आर्मी की ड्रिल हो रही है ना, आर्मी की ड्रिल हो रही है तो उनकी बस वहाँ फंस गई है। वो कितने, वो तो लाल आड़ू है, देखो जो दूर है ना, खुमानी, सॉरी, बड़ी, इतनी बड़ी, और नीचे बहुत बड़ी बड़ी खुमानी है। वो यहाँ तो इतने फ्रूट दिख रहे हैं मुझे, वहाँ से भी ज़्यादा। इधर इधर ये आड़ू लगे हुए हैं, ये देखो, और ये तो आड़ू नहीं है, सेब है ये। अरे ये तो खट्टे मीठे सेब होंगे प्रीति, है ना, अभी तो पके। हमने परमिशन ले लिया है, ये देखो, ओहो, ओए होए, ये देखो पेड़ से तोड़ के खाने का। तेरा धन्यवाद, खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है ना। हमने परमिशन लिया फिर तोड़ के खा रहे हैं हम। अब सब हमें डांटते हैं ना, ये लाल होगा, ये देख प्रीति, ऊपर पके हुए। ओए होए प्रीति, हम्म, हाँ बैठ के आ रहे हैं। प्रीति खेत में जा रही है, कह रही वहाँ बैठ के खाएंगे आराम से। खेतों में फ्रूट खाने के लिए कितना जुगाड़ करना पड़ता है। हाँ, ये हमने गाड़ी में जाते वक्त देख लिया था, मैंने कहा यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ पूछ के खाना है।
हाँ हमारे उनकी बस भी आ गई है ऊपर। पहले हम यहाँ खा के जाएंगे ना कुछ, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। ये सेब के पेड़ हैं देखो, ये नाशपाती भी है, ये रही नाशपाती, ये तो सेब है। अरे कितना सुंदर है। हाँ है ना। ये पहले पूछ के तोड़ा हमने, ये भी डकार आ गई, दो चार फ्रूट खाए हैं। कितना मोटा एप्पल है ना, दिखाइए। हमने हार्शल में दिखाया था और यहाँ ये देखो, ये नाशपाती है। हाँ ये देखो, पर ये वैसी हो चुकी है, ठीक है। ऐसी चीजें कहाँ मिलेंगी, ये खुमानी है ना। और क्या, और मना नहीं किया हमने, पूछ के लिया भाई उनसे, चोरी नहीं कर रहे हम अब की बार। वाओ ये देखो, हंस रही है वो, मना नहीं किया वैसे उन्होंने, है ना। ये देखो, एक जेब ये भर गई, नीचे से उठाएगी घर वहां जाके देखो, ये प्रीति के देख लो भाई, चोरी चोरी कर लो पूछ के लिए। पूरे भरे पड़े हैं, हमारा मुंह भी भरा पड़ा मेरा तो। अब देखो स्नो के पहाड़ दिखाई दिए, तब यहाँ पे वो आ रखी थी बादल। हमारी बस आ गई, अब हम खाएंगे चाय पकौड़े। ये तो अभी दो चार ही निकले आपके लिए, इतनी सारी खुमानी लेके आए हम, देखो चोरी करके ये सारे ग्रुप के लोग आ गए। अभी मैं कुछ को जानती हूँ, सबको नहीं जानती, ये सब आ गए। आपका नाम तो मैं जानती हूँ, संगीता दीदी है, और आप संगीता जी, और आप शीला, शीला जी, और तृप्ति। एक्चुअली ना, दो जब दो चार दिन वॉक करेंगे तब नाम याद हो जाएंगे, अभी शाम तक याद हो जाएंगे। भैया आपका नाम मोहित अग्रवाल, मोहित जी, और आपका मंजुल श्रीवास्तव, मंजुल श्रीवास्तव। खाइए, हम ये लेके आए, मैंने कहा सबको भागीदार बनाते हैं अपनी चोरी में। मिल रहे हैं अब चाय पकौड़े, है ना। ओहो गरम गरम, ऐसे सामने मौसम में गरम गरम पकोड़े खाने का एक अलग ही आनंद है। वो इधर हाथी पर्व है, ये घोड़ी, ये घोड़ी पर्व दिख रहे हैं, दो कान, ये हाथी का नहीं दिख रहा है, ये हाथी की मुंडी फिर सूंड सी। हाँ ये वाला बीच वाला जो है ना, जो आपकी उंगली के सामने है, ये राइट साइड में हाथी है, लेफ्ट वाला घोड़ी है। अच्छा भैया, आप सब हमारी पूरी रेल बना के रखेंगे गुरु, फिर कह रहे फिर चलो घूमने के लिए, है ना। और सही है, अच्छी बात है। अब हम उधर की साइड घूम के आ रहे हैं, सारा ग्रुप। शाम का सीन देखिए, और यहाँ मैं माइक भी नहीं खोलूंगी ना, तब भी चल जाएगा, कितना पिन ड्रॉप साइलेंस है। ये मिल गया हमें, ये बहुत, ये सब गप्पे मार रही हैं। भैया ने हमें पकोड़े खिलाते ही दौड़ा दिया है। पहले खाओ फिर बचाओ। खाओ फिर बचाओ। ये इधर से पूरा जोशीमठ दिखाई दे रहा है। ये भैया एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, क्या बोल रहे थे बता दीजिए। मैं कह रहा था कि एक्चुअल में अपने आप को आपको जानना है। हाँ। अपनी शक्तियों को, आपके मेंटल, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। हाँ। और प्रकृति को जानना है। हाँ। तो आपको ट्रैक ही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बाई रोड कभी नहीं समझ सकते। स्कूटर पे भी जो हम चीज कार से और स्कूटर से नहीं देख पाते, पैदल चल के एक एक चीज ऑब्जर्व कर पाते हैं। हाँ अभी हम गाड़ी से गए थे इधर, वॉक करके जा रहे हैं। क्यों बोलते, क्यों बोलते, आ जाओ, ये देखो कैच करेगा, कैच करेगा। अब ये भी आ गया, ये हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। ये पुदीना है, ये पुदीने, हाँ पुदीना है, मिंट की खुशबू आ रही है, ये देखो नेचुरल हुआ हुआ है। नहा धो के रेडी हो गए हैं, ये सामने का नजारा देखिए कितना सुंदर है। ओहो भाई साहब कह रहे हैं आपका YouTube देखा करेंगे, मैंने कहा आ जाओ मैं सब्सक्राइब कर लेती हूँ। देखा करेंगे नहीं, देखा करो। ये हमारा रूम है, चार जने इस पे सोए, चार जनों के लिए है ये। रात को गर्मी लगने लगी थी क्योंकि रजाई गद्दे एक तो साफ सुथरे और बहुत अच्छे, अच्छा था मतलब। अब तो पूरी धूप हो गई है, वो सामने देखे दिखाई चुकी हूँ, और अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। रात को खाना भी बहुत अच्छा था, दाल मखनी पनीर सब कुछ था मतलब। ब्रेकफास्ट में है आलू का पराठा, पोहा और दही, थाली संगीता जी की है। सबसे ना ट्रैक पे ही मिलवाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो मैं कितनी बार मिलवाऊंगी, नाम याद नहीं रहेंगे, हमें ही खुद नाम याद नहीं है। ये भैया आप खा के देखिए, गुलकंद एक खा के देखिए। अच्छा ये भैया पान ग्लोरी, मोहित भैया बनवा के लाए, मोहित भैया का नाम याद हो गया, मेरे भाई का नाम भी मोहित है ना। अच्छा अरे वाह क्या बात है, बहुत टेस्टी है भैया।
ये जो ये बस में आए हैं सारे, पूरे ट्रिप का टोटल कितना खर्चा है? पूरे ट्रिप का 25,000 पर पर्सन पर पर्सन है। कंप्लीट पैकेज ये देते हैं हम, हरिद्वार से आएंगे और आज जैसे ओली रुके हैं, कल ओली रुके थे, आज बद्रीनाथ रुकेंगे और फिर वापसी में हम ओली रुकेंगे, फिर रुकेंगे और इसमें ट्रैक से लेके सब कुछ, फूड वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन सारा इंक्लूड, वो सब इंक्लूड है। और हमारे जो अकोमोडेशन होता है वो आपने शायद दिखाई दिया होगा। हाँ, वो तो दिखाई दिया, लेवल का है, लगभग इसी लेवल के थे हम बद्रीनाथ में भी। और इसमें पोर्टर आप वो अलग होंगे, जो जिसको पर्सनल पोर्टर और करना है, जिसको पर्सनल पोर्टर और करना है वो अलग खर्चा होगा, जो अपना पर्सनल बैग जो लगेज होता है पर्सनल वाला, बाकी आपका ट्रैकिंग का जो इक्विपमेंट होता है टेंट स्लीपिंग बैग वो हम कैरी करते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास ये बैग है हमारा एक, ये तो ये पर्सनल हो गया आपका, ये हमारा पर्सनल है, तो वो अकॉर्डिंग होगा कि कितना वो लेते हैं। वो पोर्टर लेगा, वो पोर्टर वो लेता है, क्योंकि चलना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसका हम अलग करेंगे। और जो अपनी कार से आए हैं उनका 19,000 है, बद्रीनाथ टू बद्रीनाथ, उसमें बद्रीनाथ का फर्स्ट डे का 5,500 का है, थ्री बेड का जैसा मैंने प्रीति का दिखाया। और जो मेरे वाला था वो 6,500 का इंक्लूड मील और खाना, और मैं बता रही हूँ अल्टीमेट, अभी जो फूड बहुत अच्छा है इनका। हाँ, यही मिलेगी। हाँ, और क्या नाम है कैंप का एक्चुअली? मैं शिवालिक कॉटेज, शिवालिक कॉटेज, अभी जाते हुए उसका बोर्ड भी दिखा दूंगी आपको, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए निकल रहे हैं, यात्रा है तो फिर जयकारे तो लगेंगे भाई, ये बस में जा रहे हैं। जहाँ से निकले जोशीमठ की मार्केट है ना वो, हाँ उसमें पूरा जाम था। एक गाड़ी पीछे आ रही है, पता नहीं कौन से वाले भैया हैं। यहाँ से रोड पूरे ही खराब है, ऊपर जाके ठीक मिलेंगे, अभी तक तो ऐसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल खराब रोड है। हाँ, ये सब अपनी गाड़ियाँ रोक रोक के धो रहे हैं, क्योंकि डस्ट में सड़ गई है ना पूरी। अच्छा है, झरना भी पूरा पड़ा आ रहा है, ये देखिए पूरी गाड़ी धुल गई पूरी।